गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों व अभिकर्ताओं की बैठक मंडलायुक्त व रिटर्निंग अधिकारी जयंत नालिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त व रिटर्निंग अधिकारी जयंत नालिकर ने कहा कि यह चुनाव अन्य चुनाव से अलग प्रकृति का है, जिसमें मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग प्रत्याशियों के नाम के समक्ष अधिमान अंकन के रूप में करता है और उसे अधिमान अंग्रेजी, रोमन अथवा हिंदी के 1, 2, 3 के अंकों में अंकित करना होता है। मतपत्र पर अंकों में अधिमान के अलावा अन्य कुछ भी लिखने पर मतपत्र को अवैध माना जाएगा। मंडलायुक्त ने कहा कि सभी उम्मीदवार उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश चुनाव आचार संहिता का 100% पालन सुनिश्चित करते हुए प्रिंटिंग सामग्री के संबंध आयोग के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान के समय पोलिंग स्टेशनों पर वीडियोग्राफी एवं वेबकास्टिंग भी कराई जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी व आरओ गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विजयंत पांडियन ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्तिगत आक्षेप न किया जाए तथा प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थलों आदि का प्रयोग न किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। बैठक में अपर आयुक्त अजयकांत सैनी ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन में कुल 16 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 5 मंडलों के 17 जनपदों में 198 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चुनाव में 40,164 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी रैली, जुलूस, वाहनों के लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारी एआरओ से अनुमति लेनी होगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर राकेश श्रीवास्तव, उप निदेशक बचाओ विजय नाथ मिश्रा सहित एसपी क्राइम व एवं अन्य अधिकारी व प्रत्याशी व प्रतिनिधि मौजूद रहे। स्क्रूटनी हुई, स्क्रूटनी के बाद 17 तारीख को नाम वापसी में कोई भी नामांकन वापस नहीं हुआ और हमारे इस समय 16 कैंडिडेट हैं। 16 कैंडिडेट और हमारे जो चुनाव की प्रक्रिया है, जैसा आप लोग जानते हैं, छोटी जो सीट वैकेंट हुई थी इनका 6 वर्ष पूर्ण होने के बाद, और इसमें हमारे 17 जनपद हैं, ये 5 मंडलों में गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, देवीपाटन और आजमगढ़, इसके 17 जनपदों में हैं। 17 जनपदों में 198 मतदान केंद्र हैं और जिसमें अब इस समय जो हमारे कुल टोटल जो वोटर्स हैं वो 40,164 हैं, जो मैंने जनपद बार इसकी सूचना भी जो है इसमें लिखी हुई है कि किस जनपद में कितने केंद्र हैं, मतदान केंद्र हैं और कितने निर्वाचक हैं, और इसमें टोटल जो है 198 मतदान केंद्रों का 40,164 का। वैसे ये सूचना क्योंकि हमारे मतदान केंद्रों का जो है प्रस्ताव वहां भेजा गया है, हमारा जो 1 तारीख को 8 बजे से 5 बजे तक है और मतगणना का सिस्टम जो रहता है 8 बजे से शुरू होता है और जब तक खत्म ना हो, समाप्ति, अपसमाप्ति, कभी कभी हम लोगों ने रात भी काली की है तो इसका नियम नहीं है, ये डिपेंड करता है। 8 बजे से पहले जो है हमारी पोलिंग पार्टियां होती है 17 जनपदों में, सारे जिलाधिकारी जो सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी हैं, इस में कमिश्नर जो है हमारे आयुक्त महोदय जो है रिटर्निंग अधिकारी हैं, उसके अलावा 17 जिलों के और उसके अलावा मैं जो है सहायक रिटर्निंग अधिकारी, 18 सहायक रिटर्निंग अधिकारी हैं, क्योंकि 17 जनपदों में बहुत सारे जो भी आपके जनसभाएं हो या कोई रैली हो, क्योंकि वो भी एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी है तो उनके लेवल से जो है वो जो अनुमति की प्रक्रिया है वो आप वहां से जारी करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपके उम्मीदवार या उम्मीदवार के कोई भी इलेक्शन एजेंट जो है चुनाव अधिकर्ता, उसकी पहचान पत्र जो है वो यहाँ से जारी हुआ है, काफी कुछ लोगों ने करा लिया है, जिनका भी छूटा हुआ है उसको आप कलेक्ट करके साइन करा के आप ले सकते हैं। हमारे वैसे तो नॉर्मली मतदान के दिन जो है मैक्सिमम लगभग 90% या 95% लोग अपने इलेक्शन का फोटो पहचान पत्र जो है एपिक है उसी का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी अगर 5% किसी कारणों की वजह से उनके पास एंड टाइम पे पहचान पत्र चुनाव वाला जो है अगर नहीं मिल पाता है तो उनके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, भारतीय पासपोर्ट
या आप ऐसी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जारी पहचान पत्र जो जिससे संबंधित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक नियोजित हो। इसका मतलब ये है कि हमारी 40,664 मतदाताओं के बीच में कोई भी शिक्षक अगर है तो उसी के संस्था के द्वारा भी अगर उसका जो पहचान पत्र अगर जारी किया गया उसके आधार पर भी आप चुनाव मतदान करने के मताधिकार आपको मिलता है। तो इसलिए नॉर्मली जो नियम है वो ये कहता है कि फोटो वाला भी कोई ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, केवल मात्र डिप्लोमा आपका जिसमें और डिप्लोमा में आपके फोटो नहीं होता। तो कृपया ये जरूर देख लीजिएगा कि कोई दूसरा ऐसा पांतो, क्योंकि हमारे विधान परिषद सदस्य श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी का भी पीरियड बीत चुका है क्योंकि वो शिक्षक होंगे नहीं। ठीक है, तो फिलहाल जो मेन चीज हो गई आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट या शैक्षिक संस्था वाला, सबसे मैक्सिमम इन्हीं चीजों का ही वास्तविक इस्तेमाल होगा। इसके अलावा जैसा आप लोग जानते हैं आज सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि विधान परिषद का चुनाव भी जो है इलेक्शन कमीशन के अंडर ही होता है। इसलिए जो आदर्श आचार संहिता है उस आदर्श आचार संहिता भी 5 तारीख से लागू हो गई थी और जितने भी उम्मीदवार हैं जो है या जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी सब इस चीज हमारी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करेंगे। वैसे बहुत सामान्य चीजें हैं, फिर भी एक रिवाइज करने के लिए भी होता है, एक ज्ञान के एंगल से भी होता है। मेन चीज असली उद्देश्य क्या है कि हमेशा आदर्श आचार संहिता का मेन सिंपल सा उद्देश्य यही है, एक तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। मतलब मेन चीज क्या होती है कि ये नहीं हो किसी का पक्षपात हो जो है, इस तरह से चुनाव हो निष्पक्ष हो और स्वतंत्र तरीके से हो, सबको समान अवसर प्रदान करना। मतलब चाहे वो निर्दलीय हो या किसी भी पार्टी का हो, यहाँ तक कि जो जो पार्टी सरकार में होती है उसके और भी, मतलब सबको चुनाव के समय एक समान अवसर मिले तभी आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य पूर्ण होता है। जो इसमें एलसीसी के बारे में और इसके अलावा कई सारी सूचनाओं के बारे में काफी कुछ जानकारी हम लोगों ने अभी दी है। ये नहीं है, रेयर केस में ही अगर कोई बीमार होता है कुछ होता है तभी चेंज किया जाएगा, अन्यथा चेंज नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रत्याशी देखने के लिए है, उसका पत्र ये नहीं है कि पूरे का पूरा जो है उसके जो पीठासीन अधिकारी फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का, तो इसमें जैसे आप लोग देखते हैं ये केवल एक नमूना है, ये जैसा जो उसमें छपेगा उसका एक साइज है जो बड़े साइज का है, छोटे साइज करके आपको दिखाया है। तो इसमें इन लोगों के जैसे यहाँ पर कैंडिडेट और पार्टी का नाम जैसे लिखा हुआ है उसके आगे आपके उम्मीदवार का फोटो है, एक ये जगह ये जो खाली है या यहाँ पर जो खाली है यहाँ पर क्रम इनका ये है जो है ये मेन चीज, क्योंकि ये इतना छोटा बना दिया मैंने इसलिए कि केवल दिखाने के लिए। आपको यहाँ से सेविंग बी मिल गया होगा, लिस्ट ऑफ कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट्स है, मिश्रा जी कहाँ दे दी उसमें आप अपने नाम को कैसे लिखा गया है कृपा करके मेरा अनुरोध होगा आज यहाँ जाने से पहले जरूर देख लें। हमने ये जो ड्राफ्ट बैलेट पेपर में जो डाला है वो आपने जो स्व हस्ताक्षरित हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में अपना नाम दिया है हमने वहीं पर डाला है, और हमारा प्रयास ये है इसको कई लोगों ने देखा है क्योंकि ये बाद में एक असंतोष का कारण कभी कभी बन जाता है, और हम ये इसलिए आपके साथ बैठे हुए हैं कि आपके कोई भी संशय है, कोई भी डाउट है उसको हम बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं। हमारा प्रयास रिटर्निंग ऑफिसर और हमारे असिस्टेंट रिटर्निंग एआरओ का प्रयास सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर पोल कराना है, और उसके लिए हम आपके पास आपके सम्मुख 24 घंटे उपस्थित हैं। आज हम लोग ने बैठक कर दी, एक बैठक हम प्रयास करेंगे और करें इलेक्शन से पोल से पहले, और हमारा फोन आपके पास उपलब्ध है, एआरओ का है, कोई भी डाउट है ईमेल करिए, हम आपसे पर्सनली मिलेंगे, आपके मेल का रिप्लाई करेंगे, आपके फोन को रिस्पॉन्ड करेंगे। पर यहाँ मुझे ये कहना है कि सेविंग बी जो 17 तारीख को लास्ट डे ऑफ विड्रॉल के दिन हम लोगों ने किया है और गजट नोटिफिकेशन भी उसका सरकार करा रही होगी या हो गया होगा, उसमें जो आपने नाम जिस प्रकार दिया है हमने वहीं पर दिया है,
इसमें ये क्या, और फोटो में भी आपने साइन करके स्वास्थ्य डिक्लेरेशन दी हुई है कि ये मेरी पुरानी 3 महीने की फोटो है। सो कल को ये ना कोई कहे कि ये तो मेरी फोटो जो है हाई स्कूल की लग गई, तो इसलिए ये आपके सामने लगाया गया। अनुरोध ये है कि लिस्ट ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट आप कृपया करके ध्यान से देख लें, यदि कोई बात हो तो अभी आप हमारे नोटिस में ला सकते हैं। जैसे नॉर्मली हमेशा मतपत्र का जो ऊपर का हिस्सा होता है काउंटर फाइल, जिसमें हमारे पीठासीन अधिकारी के जो पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट होता है, वो इसमें निर्वाचक नामावली भाग संख्या के उधर उस पर है और उसी में क्रम संख्या होता है। तो जो भी कोई वोटर है उस वोटर का जो भी क्रम संख्या होगा उसमें लिखा जाता है।